जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं वर्ष 2021 में मोक्षदा एकादशी के व्रत पूजन शुभ मुहूर्त पारण समय और मोक्षदा एकादशी के कथा के बारे में। मोक्षदा एकादशी का व्रत हर वर्ष मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत बड़ा ही पुण्यदायक माना गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी एवं साथ में भगवान श्री कृष्ण महर्षि वेदव्यास और श्रीमद् भागवत गीता का भी पूजन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत और उपवास केवल इस व्रत का उपवास करने वाले मनुष्य का ही नहीं अपितु उनके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस उपवास का अगर फल दिया जाए तो उनके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके सभी क्लेशों का भी नाश हो जाता है। यह मोक्षदा एकादशी का व्रत बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत जो कि 14 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 13 दिसंबर 2021 दिन सोमवार रात्रि 9:34 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 14 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार को रात्रि 11:37 में और मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 15 दिसंबर 2021 दिन बुधवार को। इस व्रत का पारण किया जाएगा समय सुबह 7:05 से सुबह 9:02 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन परिध योग जो कि अगले दिन सुबह 6:29 तक, इस दिन राहु काल का समय दोपहर 2:22 से दोपहर 3:32 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:23 से दोपहर 12:05 तक। मोक्षदा एकादशी का व्रत यह बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी के दिन से ही इस व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को इस दिन शुद्ध और सात्विक आहार एक समय ग्रहण करना चाहिए और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करना चाहिए। इस दिन रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण करते हुए दशमी तिथि को सोना चाहिए और अगले दिन एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके मोक्षदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता और महर्षि वेद व्यास का भी पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का त्याग करना चाहिए। धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। इस दिन जातक को चाहिए कि किसी के ऊपर क्रोध ना करे। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर के चली जाती है। इसलिए महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। रात्रि में जागरण आदि करनी चाहिए। भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह उठकर के स्नान करके भगवान का पूजन करना चाहिए और फिर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद फिर समय के अनुसार इस व्रत का पारण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण जो कि गौमूत्रेण पारणम गौमूत्र से इस व्रत का पारण किया जाएगा। अगर यह संभव ना हो तो इस दिन तुलसी दल और फल से भी इस व्रत का पारण कर सकते हैं।
एकादशी तिथि के दिन इस दिन ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी तिथि के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। पूजन के लिए एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए और भगवान विष्णु का एकादशी के दिन फिर उन्हें तुलसी दल अवश्य अर्पित करनी चाहिए। एक बात का और हमेशा ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो अक्षत की जगह उन्हें तिल अर्पित करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के लिए पूजन के लिए इस दिन एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगा करके चौकी पे पीला वस्त्र बिछाएं। वहाँ पे फिर भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण, महर्षि वेद व्यास और भागवत गीता का प्रतिमा या फोटो रख करके इनका पूजन करना चाहिए। इनका पूजन पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। किसी भी व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो भगवान गणेश का स्मरण कर ले, उनका पूजन करे। अगर कलश बिठा रहे हो तो कलश पूजन करे। फिर नवग्रह इंद्रादि दस्तिपाल देवता का पूजन करे। दिन में अगर पूजन हो तो सूर्यादि पंच देवता का, रात्रि में पूजन हो तो गणपति पंच देवता का पूजन करना चाहिए। इसके बाद माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए। फिर अंत में फिर भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए, महर्षि वेद व्यास और भागवत गीता का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विशेष करके भगवान का जल से अभिषेक करें, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उसके बाद भगवान के ऊपर शुद्ध गंगा जल उन्हें चढ़ाएं, उसके बाद फिर वस्त्र चढ़ाएं, वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत अर्पित करें, भगवान विष्णु को फिर तिल, जौ, तुलसी दल भगवान को अर्पित करें, चंदन चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करें, फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें, फिर पुंगी फल तांबूल अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, उसके बाद फिर इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का भी पूजन करें, माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत चढ़ाएं, माता को शुद्ध गंगा जल अर्पित करें, उन्हें वस्त्र चढ़ाएं, समस्त श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित करें, फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला माता को अर्पित करें, फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य माता लक्ष्मी को अर्पित करें, माता लक्ष्मी को महिलाएं सिंदूर अर्पित करें और पुरुष माता लक्ष्मी को चंदन चढ़ाएं। उसके बाद माता को धूप दीप दिखाते हुए नैवेद्य अर्पित करें, माता लक्ष्मी को श्रीफल आदि अर्पित करें तो लाभकारी होता है। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। पुंगी फल यानी कि जिसे कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है और तांबूल यानी कि पान पत्र, पान पत्र को तांबूल कहा जाता है। तो पान पत्र और सुपारी भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को अर्पित करने चाहिए। उसके बाद फिर मोक्षदा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें और फिर भगवान की आरती करें। इसी प्रकार से सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करने चाहिए और अगले दिन जाकर के समय के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करा करके फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। ब्राह्मणों को द्रव्य और दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप हमें कथा के लिए ब्राह्मण दक्षिणा अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरे विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि वैखानस नाम का एक राजा प्राचीन नगर में राज्य किया करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक दिन रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा और सुबह होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न की बात बताई कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा है। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करवाओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं। मुझे अब राज्य का सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायी प्रतीत नहीं हो रही है। अब मैं क्या करूँ?
कहाँ जाऊँ? इस दुख के कारण मेरे शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बतलाएं, जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने के प्रयास नहीं किए तो मेरा जीवन निरर्थक है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हो, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देवो, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बतलाने की कृपा करें। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया, फिर एक मत होकर बोले कि हे राजा, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि है, वे यहाँ से अधिक दूर नहीं है। आप अपनी यह व्यथा उनसे जाकर कहे, वे अवश्य ही इसका सरल उपाय आपको बतला देंगे। ब्राह्मणों की बात को सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे जान पड़ रहे थे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने बतलाया कि हे मुनीश्वर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, किंतु मेरे समक्ष अकस्मात ही कोई ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। फिर राजा ने मुनि को व्यथित हृदय की सारी बातें, रात में देखे गए स्वप्न की पूरी कहानी सुनाई और फिर दुखी स्वर में बोला कि हे महर्षि, अब आप कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसा मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति दिलाऊं। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने गंभीरता पूर्वक इस बात को सुनी, फिर नेत्र बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा कि हे राजन, मैंने अपने युग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों से भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दी। इसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। यह जानकर वैखानस ने याचना भरे स्वर में कहा कि हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बतलाने की कृपा करें। किस प्रकार वे इस पाप से मुक्त होंगे। इस पर पर्वत मुनि बोले कि हे राजा, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी के पुण्य प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति हो जाएगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आए और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति प्राप्त हो गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। हे पांडु पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करता है, उपवास करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से अनंत फल प्राप्त होता है। यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का यह उपवास अति महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा से श्रेष्ठ दृष्टांत दूसरा कोई नहीं है। अतः भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त यह उपवास पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा से करनी चाहिए। कथा का सार यह है कि यह पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की श्रेष्ठ और पवित्र कथा है। इसका उपवास केवल उपवास करने वाले मनुष्य का ही नहीं अपितु उनके पितरों का भी भला करता है।
अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस उपवास का फल अर्पण करने से उनके भी पापों व क्लेशों का नाश हो जाता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरे विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।